हेलो एंड वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल योर वॉचिंग डेली करंट अफेयर्स कवरिंग सेवेंटीन मार्च 2022 वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो लेट्स बिगिन विद इट तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है सो रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स लगातार चल रहे हैं एंड इसी लेकर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है दैट दीज पीस टॉक्स विद यूक्रेन वर नॉट ईजी बट देयर वॉज सम होप ऑफ रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड न्यूट्रलिटी फॉर यूक्रेन एंड इन दोनों इशूज़ को बहुत सीरियसली यूक्रेन और रशिया के बीच में डिस्कस किया गया तो यहाँ से हमारे लिए प्रिलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो बैकग्राउंड है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड जो रीजंस हैं जिनकी वजह से यू नो रशियन एग्रेशन हुई है वो रीजंस का पता होना ज़रूरी है एंड हमने अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बार डिस्कस किया सो एज़ यूक्रेन वॉज़ कंसिडरिंग फॉर द नेटोज़ मेम्बरशिप एंड दिस वॉज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रशिया तो नेटो को ज्वाइन करना ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन यू नो रशिया एंड यूक्रेन एंड अब जो पीस टॉक्स चल रही हैं इसके अंदर यू नो जो न्यूट्रल स्टेटस है यूक्रेन का उसे लेकर डिस्कशंस की गई एंड जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं उनको मोर सीरियसली डिस्कस किया गया एंड यूक्रेन की तरफ से भी बहुत ही कॉशियस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं ऑन दिस पीस टॉक्स विच आर गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया यूक्रेन uh, ने इसे लेकर कहा है दैट दे आर विलिंग टू नेगोशिएट विद रशिया सो दैट यू नो दिस वॉर कुड कम टू एन एंड हाउ एवर दे विल नॉट सरेंडर और एक्सेप्ट रशियाज अल्टीमेटम्स सो इन पीस टॉक्स में जो कि इश्यूज डिस्कस किए गए हैं उनमें से कुछ इश्यूज हैं लाइक सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन ईस्टर्न यूक्रेन ईस्टर्न यूक्रेन के जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी इशूज़ को डिस्कस किया गया डी ऑफ यूक्रेन एंड अलॉन्ग विद यू नो राइट्स ऑफ रशियन स्पीकिंग पीपल इन यूक्रेन एज वेल ये की इश्यूज़ इन पीस टॉक्स में रशिया और यूक्रेन ने डिस्कस किए ना इवन जब रशिया ने यूक्रेन की इन्वेजन की एंड विच देनाउंसड ऑन फेबर ट्वेंटी फोर्थ उस टाइम पे भी रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लेम किया था दट दे आर थ्रेटनिंग रशिया बाय अनाजिंग नेटो नाउ नेटो विच इज़ अ मिलटरी अलायंस एंड यूरोप में ये लगातार ईस्ट वर्ड्स मूव करता जा रहा था एंड इसके अंदर एक पॉइंट ये आना दैट यूक्रेन वॉन्ट्स टू जॉइन नेटो सो दिस थ्रेट इन रशिया एंड दैफो रशिया इज़ इनवेडिंग यूक्रेन एंड इन पीस टॉक्स के बाद इवन यूक्रेन के प्रेजिडेंट जेलेंसकी ने भी अब ये कहा है कि जो रशियन डिमांड्स हैं देर बिकमिंग मोर रियलिस्टिक इसके अलावा इसे लेकर जो इस वॉर को लेकर जेलेंसकी ने जो अपडेट दिया दैट इज़ दिस दैट दी रशियन फोर्सेस हैड बीन अनएबल टू मूव डीपर इनटू यूक्रेन हाउ एवर जो कुछ मेन सिटीज़ जैसे कि मरायपोल पोल जो कि एक सउदर्न सी पोर्ट है uh, मराई पोल हेवी हैवी शेलिंग नो चल रही है लेकिन uh, ज़्यादा डीप और ज़्यादा डीप यूक्रेन के अंदर रशियन फोर्सेज नहीं आ पा रही हैं इससे पहले भी जो डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस है काफ़ी ज़्यादा चल रही है इवन ट्यूसडे को जेलेंसकी ने अनाउंस किया दैट यू नो दे हैव रियलाइज दैट यूक्रेन कैन नॉट जॉइन नेटो सो ओवरऑल आपको इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की जो अपडेट्स हैं वो पता होने चाहिए द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट द रीजंस फॉर रशियन एग्रेशन एंड हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जो इम्प्लीकेशनज हैं वो इंडिया पे क्या हो रहे हैं इन पर्टिकुलर एंड ग्लोबली भी हमें इसकी इम्प्लीकेशन किस तरह दिख रहे हैं आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो भगवंत सिंह मान हैज स्वर्न इन एज दी सेवनटीन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वेल यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टू नो अबाउट दी ओथ टेकिंग सेरेमनीज ऑफ सी एम Uh, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी किस तरह होती है एंड वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यू नो रिगार्डिंग दिस आप अपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं यू रीड अबाउट थर्ड शेड्यूल यू रीड अबाउट आर्टिकल 164, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर तो इस तरह के जो आपके इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सो अंडर आर्टिकल 164, वी हैव क्लॉज थ्री विथ स्टेट्स दैट बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस गवर्नर शेल एडमिनिस्टर टू हिम दी ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी सो अकॉर्डिंग टू दी यू नो फॉर्म्स विच आर सेट आउट इन थर्ड शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर कुछ फॉर्म्स सेट आउट किए गए हैं एंड जो मिनिस्टर हैं वो ऑफिस में जाने से पहले जो गवर्नर हैं उनको दो ओथ्स देते हैं ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी सो इवन आर्टिकल 164 में ये क्लियर है कि जो ओथ का जो टेक्स्ट है जो पर्सन जो ओथ लेता है दे हैज टू रीड इट आउट लाउड एग्जैक्टली एज इट इज़ जिस गिवन फॉर्मेट में ओथ लिखी होती है उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में उसे पढ़ना होता है And even third schedule may be hai that you know it requires the taker of the oath to swear in the name of God or to you know solemnly affirm or to bear true faith and allegiance to the Constitution. And here the role of governor is important. Hai. Now, uh, if a person who takes the oath wanders a little it is the responsibility of the person who is administering the oath. Now, over here, governor is the one who administers the oath. तो ऐसे केस में कोई भी पर्सन जो टेक्स्ट है उसे चेंज कर रहा है या वॉन्डर कर रहा है सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर कि ऐसे केस में जो पर्सन ओथ ले रहा है उनको इंटरप्ट किया जाए एंड टू आस्क पर्सन यू नो हु इज हुनिंग इन टू रीड इट आउट करेक्टली एंड यू नो वंस द गवर्नर टेक इट एज रेड द सेक्रेटरी टू द गवर्नर हैज अटेस्टेड दैट ओथ इट हैज बीन एडमिनिस्टर्व देन इट कैन नॉट बी लीगली चैलेंजड तो ये तीनों पॉइंट्स कि किस तरह कौन कौन सी ओथ्स ली जाती हैं ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड ओथ्स ऑफ सीक्रेसी एंड आर्टिकल 164 के थ्रू ये किया जाता है थर्ड शेड्यूल में थर्ड uh, शेड्यूल क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर ये कुछ पॉइंट्स आप इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कीजिएगा मूविंग अहेड आर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वलरेबल वटनेसेस वेल इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दिटनेसिस इन लखीमपुर खेरी केस सो उत्तर प्रदेश में इंसिडेंट हुआ जहाँ पे लखीमपुर खेड़ी में कुछ फार्मर्स देर पार्टिसिपेटिंग इन द रैली अगेंस्ट द फार्म लॉज एंड उनके ऊपर एस यू वी इट एक्चुअली मूव डाउन दोज फार्मर्स तो इस केस के जो विटनेस हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को ऑर्डर किया है Well, from here we need to understand, you know, what is the exact need to protect the vulnerable witnesses. Kis India ke witness protection provisions here, What is the witness protection scheme and some issues which are related to this? So, for this we have witness protection scheme 2018. Now, as the name suggests, is basically aim to enable the witness to, you know, uh, depose fearlessly and truthfully. एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसे यू नो एज़ अ राइट ऑफ विटनेसेस के जैसे आइडेंटिफाई किया है इट इज़ द राइट ऑफ विटनेसेस टू टेस्टिफाई फ्रीली इन कोर्ट एंड इट हैज़ बीन लिंक्ड विद आर्टिकल ट्वेंटी वन विच इज़ राइट टू लाइफ सो आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ ऑल्सो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं यहाँ से राइट ऑफ विटनेस भी डिराइव होता है एंड इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है Uh, you know this will be a law under article 141 and article 142 of the constitution now article 141 is basically you know the law declared by supreme court shall be binding on all courts within the territory of india and then we have article 142 जिसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट यू you नो know, अपनी जरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है यू नो इट मे पास सच डिक्री और मेक यू नो सच ऑर्डर्स एज इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कम्प्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर विच इज़ पेंडिंग बिफोर इट एंड इसे लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है इट शेल बी इन्फोर्सबल यू नो थ्रू आउट द टेरेटरी ऑफ इंडिया इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने इवन स्टेट्स और यूटीज़ को भी ऑर्डर दिया था टू तो सेटअप दी वनरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्सेस ये ऐसे रूम्स होंगे जहाँ पे यू नो एक्यूज और जो विटनेसेस हैं दे कैन कम फेस टू फ़ेस नाउ अगर हम इस पूरे इशू इस का बैकग्राउंड देखें तो दिस बेसिकली यू uh, नो you know, आसाराम बापू का जो केस था उस टाइम पर देखा गया दैट हिज फॉलोअर्स जो कि एक रिलीजियस लीडर थे

सो ये जो विटनेसेस की प्रोटेक्शन की जो नीड है इसे इवन जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं और जो कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं यू नो हैव आल्सो एम्फिसाइज्ड ऑन इट लाइक हमारे पास एक केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 1997 नाइनटी आल्सो ऑल्सो फोर्टीन लॉ कमीशन एंड देन मलीमथ कमेटी रिपोर्ट ऑल ऑफ दिज हैडेड द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम सो विक्टम्स एज वेल एज दू नो विटनेस ऑफ़ सीरियस क्राइम्स यू नो ऐसे केस में जहाँ पे जो प्रप्रेटर uh, है डेट इज़ पावरफुल इन्फ्लुशल और रिच तो ऐसे केस के अंदर अगर जो विक्टिम्स और जो विटनेसेस हैं यू नो दे बिलोंग टू शोशली और इकोनॉमिकली मार्जनाइज कम्युनिटीज़ तो उस केस के अंदर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यू नो द गर्ल एंड वेमेन हु रिपोर्ट सेक्सुअल वायलेंस ऑफन दे आर मोर वनरेबल एंड दे फेस एक्सट्रीम प्रेशर और इवन डायरेक्ट थ्रेट्स फ्रॉम द एक्यूज इसके अलावा जो विटनेसेस हैं यू नो दे नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू कम फॉरवर्ड सो दैट दे कैन असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एंड फॉर दैट दे नीड टू बी एश्योर्ड दैट दे विल रिसीव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन नाउ अंटिल नाउ अभी तक कुछ एडहॉक्स स्टेप्स अडॉप्ट किए गए हैं यू नो फॉर फ्यू डेडिकेटेड कोर्ट्स रूम जहाँ पे जो वर्नरेबल विटनेसेस हैं मोस्टली चाइल्ड विक्टिम्स जिनके अंदर उनकी जो आइडेंटिटी है उन्हें कंसील किया जाता है एंटी टेरिज्म के केसेज में इसको एडॉक बेसिस पे अप्लाई किया जाता है बट दे हैव बीनो अनसक्सेसफुल टू प्रीवेंट दिटनेसिज सो लेजिस्लेटि मेजर्स जिसके थ्रू यू नो वी नीड टू प्रोहिबिट दिंग ऑफ विटनेस इट इज़ वेरी एमिनेंट एंड इन एविटेबल फॉर दिस इज वेल वी हैव विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू थाउजेंड एटीन ये इंडिया की पहली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है

नंबर वन इज़ कैटेगरी ए इसके अंदर वो केसेस आते हैं यू नो जहाँ पे जो जो थ्रेट्स हैं दे एक्सटेंड दी लाइफ ऑफ़ द विटनेस और द फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और इवन आफ्टर कैटेगरी बी में अगर सेफ्टी रेपूटेशन या फिर प्रॉपर्टी के बेसिस पे थ्रेट्स आ रहे हैं तो उसको कैटेगरी बी में डाला जाता है कैटेगरी सी आर दोस्त जहाँ पे जो थ्रेट्स हैं दे आर मॉडरेट एंड दे आर बेसिकली एक्सटेंडिंग टू हरासमेंट एंड इस स्कीम में बेसिकली विटनेस प्रोटेक्शन फ़ंड को प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर इस प्रोग्राम के जो भी एक्सपेंसिज हैं दे विल बी मेट फ्रॉम दिस विटनेस प्रोटेक्शन फ़ंड एंड फॉर दिस स्टेट्स विल मेक यू नो एनअल बजटरी एलोकेशन ये जो फंड है इसको लेकर एनुअली स्टेट्स बजटरी एलोकेट करेंगे एंड दिस विल भी इस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड बाई डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अंडर दू टीज इसके अलावा स्कीम के अंदर थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट के प्रिपरेशन के लिए भी प्रोविज़न है यू नो जो विटनेसेस हैं उनको लेकर एक थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाए सो अगर हम ऐसी स्कीम का यू नो सिग्निफिकेंस देखें तो ये जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है इससे जो विटनेसेस हैं दे विल रिसीव अप्रोप्रिएट एंड एडोकोट प्रोटेक्शन एंड इस स्कीम के थ्रू यू नो इवन जो सपोर्ट है ऐसे विटनेसेस को जिनको थ्रेटन अप किया गया है दो जो वनरेबल उनका जो कॉन्फिडेंस है आप उन्हें गेन कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली फॉर जस्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी लेकर फैसिलिटीज़ यू नो लाइक कैमरा ट्रायल अप्रॉक्सीमेट फिजिकल प्रोटेक्शन जो कुछ इस तरह के जो यू नो फैसिलिटीज हैं वो कुछ बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंदन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आर कंट्री एंड विल अल्टीमेटली एनहांस द नेशनल सिक्योरिटी सीनारी इसके अलावा इन स्कीम्स के पास चैलेंजेस भी हैं यू you नो know, जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है यू नो इट बेसिकली पोज द लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस नाउ अगर हम रिकमेंडेशन uh, देखें तो स्कीम इज़ टू बी फंडेड बाय द बजटरी सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डोनेशंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे दी दे आर यू नो आइज़ एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस एंड ये जो स्कीम है ये एक यू नो स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल कोविड नाइन्टीन वैक्सीन और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है सो रिगार्डिंग दिस यूरोपियन यूनियन ने, ने प्रपोजल किया है दैट ऐसी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन जिनके इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे आर हेल्प बाई द इंटरनेशनल कंपनीज दे शुड बी रिलैक्सड फॉर अप टू फाइव ईयर्स

They can also make you know such uh, COVID therapeutics and me they can also export the vaccines without any explicit permissions you know, from the patent holder. And in 2020, mein India, along with South Africa, you know, it was the uh, proponents of this original waiver proposed. Now, yaha se, uh, you know, you need to know what is patent. एंड किस तरह से यू you नो know, जो टाइप्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो क्या है ट्रेड मार्क कॉपी राइट यू नो ट्रेड सीक्रेट्स ये सब क्या हैं एंड देन यू ऑल्सो रीड अबाउट ट्रिप्स इन योर इकोनॉमी तो आई पी आर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डब्ल्यू टी ओ ट्रिप्स इन सब के बारे में आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट सो अगर मैं इसे क्विकली ब्रीफ करूँ सो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यू नो दिस आर दी राइट्स विच आर गिवन टू दर्सन ओवर दी क्रिएशन ऑफ देअ माइंड जो इन्वेंशन उन्होंने की कोई लिटरेरी वर्क कोई आर्टिस्टिक वर्क कोई भी नेम इमेज जो कि उन्होंने अपने कॉमर्स में जो वो यूज़ कर रहे हैं उसे लेकर जो राइट्स दिए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये जो क्रिएटर्स हैं ये उसका एक एक्सक्लूसिव राइट right है यू नो टू यूज़ हिजो हर क्रिएशन फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड ये जो राइट्स हैं ये हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल ट्वेंटी सेवन के अंदर आउटलाइन किए गए हैं विच बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर राइट टू बेनिफिट यू नो फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक लिटरेरी एज़ वेल एज आर्टिस्टिक प्रोडक्शंस एंड इवन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है इसे सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में आइडेंटिफाई किया गया एंड लेटर वी सॉ बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्कस ये दोनों की जो जो ट्रेटीज़ हैं दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको मेनली टू एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है यू नो कापी राइट्स एंड राइट्स रिलेटेड टू कापी राइट्स इसके अंदर जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं जैसे कि बुक्स राइटिंग्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस पेंटिंग्स इन सब को एक कापी राइट दिया जाता है फॉर मिनिमम ऑफ फिफ्टी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें इसको फर्दर डिवाइड uh, किया जाता है यू नो इन टू ऑफ डिस्टिंगटिव साइंस जैसे कि ट्रेड uh, मार्क्स दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस दिया जाता है जी आई टैग दिए जाते हैं इसके अलावा वी हैव यू नो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनज एंड ट्रेड सीक्रेट वेल इसके अंदर मेनली जो इनोवेशन है डिज़ाइन है जो टेक्नोलॉजी की क्रिएशन है उसे उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है सो आई पी आर इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इनकेज इनोवेशन एंड इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अप होती है इट क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज इट इनहसेज द क्वालिटी एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ साथ ही में जो राइट्स हैं क्रिएटर के ये उनको सेफ गार्ड करता है एंड इससे ओवरऑल यू नो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी प्रमोट होती है एंड इट इंश्योर्स यू नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फर्दर इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एज़ वेल एंड इसी लेकर इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू डी ओ का मेम्बर भी है एंड देफ ओ इंडिया इज़ कमिटेड टू एन एग्रीमेंट विच इज़ ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप इसके बारे में पढ़ते हैं इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो द मेम्बर ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ एंड विच इज़ बेसिकली एडमिनिस्टर्स द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन विच आर रिलेटेड टू आई पी आर आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वन रैंक वन पेंशन स्कीम से रिलेटेड है सो वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर आर्म्ड फोर्सेज इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है एंड कहाँ है दर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी यू नो इन दी प्रिंसिपल ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्कीम एंड ये नवम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे कम्यूनिकेट किया था एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी सो सुप्रीम कोर्ट इज़ बैकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंटर्स वन रैंक वन पेंशन स्कीम ना सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ वन रैंक वन पेंशन तो सिंपली अगर हमारे पास दो मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो कि सेम रैंक पे रिटायर हो रहे हैं विद सेम ईयर ऑफ सर्विस सेम रैंक एंड सेम ईयर ऑफ सर्विस दे मस्ट गेट एन इक्वल पेंशन उनकी जो पेंशन है वो सेम होनी चाहिए ना इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हमारी जो थ्री सर्विसेज हैं जिसमें आर्मी एयरफोर्स और नेवी आती है इसमें जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं इनको दो कैटेगरीज के, के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ना अदर रैंक्स की बात करें विच आर सोल्जर्स दे यूजली रिटायर एट एज थर्टी फाइव वेर एज अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखें दे रिटायर क्लोज टू सिक्सटी सो जो सोल्जर है दे कैन मिस आउट द बेनिफिट्स ऑफ पे कमीशन जो उसके बाद आने वाले हैं नाउ जो पेंशन होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी राइट तो इससे क्या होता है कि जो पेंशन है वो भी इम्पैक्ट होती है सिमिलरली uh, किस एज पे ऑफिसर्स रिटायर कर सकते हैं यू नो दिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन देअ रैंक जितना रैंक लोअर होगा अर्लियर दे कैन यू नो सुपर इनोएट तो यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जब रिटायरमेंट होगी तो जो सब्सिक्वेंट आगे आने वाले जो पे कमीशन हैं आ, उसका उसके ऊपर असर नहीं होता एंड जो पेंशन हैं दे आर बेस्ड ऑन दी लॉस ड्रॉन सैलरी तो इससे एक तो डिफरेंस आ सकता है लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये ही नहीं है 1950 से लेकर 1973 तक जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑफ़ स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन जो कि बिल्कुल सम वॉट यू नो वन रैंक वन पेंशन स्कीम से सिमिलर था लेकिन 1974 में जब थर्ड पे कमीशन आया तो उसके अंदर जो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए इन द टर्म्स ऑफ वेटेज और कुछ एडिशनल ईयर्स जो हैं वो सर्विस की उसके अंदर ऐड किए गए एंड इसके साथ जो पेंशन है उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा 1986 में फोर्थ पे कमीशन आता है एंड इस रिपोर्ट के बाद कुछ और चेंजेस होते हैं तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो सक्सेसिव पे कमीशन्स के जो बेनिफिट्स हैं वो सर्विस मैन को पास नहीं हुए जो कि उससे पहले रिटायर हो चुके थे एंड इससे वो लोग जो कि सेम रैंक पे रिटायर हो रहे थे विद द सेम ईयर ऑफ सर्विस लेकिन उनके जो रिटायरमेंट जो का जो ईयर्स हैं वो अलग अलग हैं तो उनकी जो पेंशनस हैं वो डिफ़रेंट होनी शुरू हो चुकी थी एंड uh, इसी की वजह से ये जो डिस्क्रिपेंसी आ चुकी थी विद द सेम रैंक एंड सेम ईयर ऑफ सर्विस बट डिफरेंट पेंशन एक्स सर्विस मैन ने वन रैंक वन पेंशन की डिमांड रखी जिसे लेकर 1983 में ब्रिगेडियर के पी सिंह देव कमेटी को फॉर्म किया गया एंड इवन उनकी भी जो रिकमेंडेशन थी दैट वॉज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन एंड ऐसी ही सेम रिकमेंडेशन इवन से पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं डिफेंस को लेकर उनकी भी रिकमेंडेशन यही थी दैट देर शुड बी स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नोटिफाइड द करेंट वन रैंक वन पेंशन स्कीम इन नवम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड इसे अप्लाई किया गया फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर्टीन सो देर आर सेवरल रीजन यू नो वाइज सोल्जर्स हैव टू रिटायर अर्ली द मेन रीजन बींग जो कंट्री है इट नीड्स यंग मिलिट्री सो इट वॉज आर्ग्यूड दैट कि जो अर्ली रिटायरमेंट होती है इट शुड नॉट बिकम एन एडवर्स एलिमेंट यू नो फॉर वॉट टू सोल्जर अर्नज एज पेंशन कम्पेयर विद दो एंड इवन इसे लेकर फाइनेंस uh, का जो क्वेश्चन था इसे काफ़ी रेज किया गया टू थाउजेंड थर्टीन से लेकर टू थाउजेंड फिफ्टीन तक दे व लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फॉर वन रैंक एंड वन पेंशन एंड तब भी रिपीटेटिवली यही आर्ग्यू किया गया कि आ, इसको लेकर जो डिमांड को मीट करने के लिए जो फाइनेंसिस चाहिए दैट इज़ वेरी अनसस्टेनेबल बिकॉज जो सोल्जर्स हैं दे रिटायर अर्ली एंड दे रिमेन एलिजिबल फॉर पेंशन फॉर मच लॉन्गर देन दी अदर इम्प्लॉयज़ एंड यही क्वेश्चन आया कि इससे जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पेंशन बजट है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा एंड इट विल इम्पैक्ट इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड uh, अभी पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस हैं उन्होंने भी डाटास प्रजेंट किए एंड वहाँ पे ये देखा कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पेंशनस को लेकर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था 2019 एंड 20 में इट वाज अराउंड 1.18 लाख करोड़ एंड 2021 में इट वाज 1.228 लाख करोड़ एंड सिमिलरली जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक अभी तक नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी करोड़ हो चुके हैं फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इवन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पेंशन टू बजट रेशियो है वो एज कम्पेयर टू ऑल द मिनिस्ट्रीज इट इज़ हाइएस्ट एंड जो पेंशन है इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन वन फिफ्थ ऑफ द टोटल डिफेंस बजट जो रिटायर्ड डिफेंस परसोनल हैं दे हैव ऑल्सो द लार्जेस्ट शेयर इन पेंशन अमंग ऑल द रिटायर्ड गवर्नमेंट इम्प्लॉयज एंड इवन वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस आए हैं यू नो पटिशनर्स ने ये कंटेंट किया कि जो प्रिंसिपल है वन रैंक वन पेंशन का इसे रिप्लेस करना चाहिए बाय वन रैंक मल्टीपल पेंशनो बेसिकली फॉर पर्सन विथ सेम लेंथ ऑफ सर्विस जिनका सेम पीरियड ऑफ सर्विस था उनके लिए वन रैंक मल्टीपल पेंशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए एंड दे सबिटेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ अल्टर्ड द इनिशियल डेफिनेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन एंड इंस्टेड ऑफ ऑटोमैटिक रिविजन ऑफ रेट्स ऑफ पेंशन अंडर विच एनी फ्यूचर रेजिंग ऑफ पेंशन रेट वुड बी पास डाउन टू दास्ट पेंशनर्स द रिविजन वुड नाउ टेक प्लेस एट अडिकवल्स एंड इसे लेकर जो पिटिशन फाइल की गई दे दैट दिस इज आर्बिट्री एंड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल फोटीन एंड ट्वेंटी वन सो ये जो वन रैंक वन पेंशन की जो डिमांड है ये इनिशियली पार्लियामेंट में टू तो थाउजेंड टेन एंड एलेवन में एग्जामिन की गई थी एंड एक टू थाउजेंड इलेवन में राज्यसभा की कमेटी बनती है ऑन पिटिशंस एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन कोशियारी कमेटी की रिकमेंडेशन पे राज्यसभा में भी वन रैंक वन पेंशन की इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंड की गई थी एंड दैट पैनल डिफाइन वन रैंक वन पेंशन एज अ यूनिफॉर्म पेंशन टू बी पेड टू आर्म्ड फोर्सिस पर रिटायरिंग विद सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इर ऑफ़ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट जिसके बाद 2014 में यू पी ए गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हैव एक्सेप्टेड यू नो वन रैंक वन पेंशन इन प्रिंसिपल एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बट एंड वहाँ पे भी रीअफ़र्म किया गया दैट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक रिविजन विल गो ना हम ये पूरी टाइम लाइन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कोर्ट ने भी यही नोट किया कि जो पिटिशनर्स हैं दे आर हाईलाइटिंग दैर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू शो दैट That the one rank one pension was always entailed as automatic revision. However, the government ka 2015 ka jo tha, they said that they introduced a revised definition of one rank and one pension, and here the revision between past and current rate was to take place at a periodic interval. Now, this is the court major ruling, hai, that is, the court has not agreed with the argument. दैट जो गवर्नमेंट का 2015 वाला जो पॉलिसी था जिसमें कम्युनिकेट किया गया है इट इज यू नो इट इज़ कॉन्ट्रोडिक्टिंग ओरिजिनल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन एंड इसी लेकर इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसीजन है जिसके थ्रू वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंट किया जाए इट वॉज़ टेकन इन प्रिंसिपल लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो मोरालिटीज़ हैं दे आर येट टू बी चॉकड आउट

if you have any questions feel free to write in the comment box and agarapwe video achiragi so please do like and thanks for watching this video i will see you in my next one thank you so much